32वें ताज महोत्सव की रंगारंग शुरुआत रविवार शाम को हो चुकी है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, महिला कल्याण विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य, आगरा कमिश्नर रितु माहेश्वरी और जिलाधिकारी भानु चंद्र गोस्वामी ने इस महोत्सव की शुरुआत की। पहले दिन ही मशहूर सिंगर जावेद अली की जोरदार परफॉर्मेंस पर शहरवासी देर रात तक झूमते नजर आए। उन्होंने एक के बाद एक बेहतरीन गानों की प्रस्तुति दी। ऑडियंस भी जावेद अली के गानों पर खुद को थिरकने से रोक नहीं पाई। ताज नगरी आगरा में हर वर्ष लगने वाले ताज महोत्सव में इस बार महोत्सव ने अपने 32वें वर्ष में कदम रखा। 17 से 27 मार्च तक होने वाले 32वें ताज महोत्सव की थीम इस बार संस्कृति और समृद्धि रखी गई है। महोत्सव की थीम के अनुसार ही यहां शिल्पग्राम के मुक्तकाशी मंच पर अलग अलग रंग दिखाई दिए। एक और जन्हा ब्रज की फूलों की होली और चरकुला नृत्य दिखाई दिया, तो वहीं महोत्सव की शाम का आगाज आज जंबा दिलों की धड़कन बॉलीवुड सिंगर जावेद अली की सुरमई शुफियाना आवाज से हुआ। मैं बहुत एक्साइटेड हूं और बहुत खुश हूं कि आज फिर से मुझे यहां आने का मौका मिला है। और हमेशा से ही मैं ताज महोत्सव का बहुत बड़ा फैन रहा हूं। यहां पे मैंने 2 से 3 बार परफॉर्म किया है और फिर से एक बार अरुण जी के साथ मुझे ब्लू बर्ड इवेंट के साथ में आने का मौका मिल रहा है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। बल्कि मैं एक साल पहले भी आई थिंक है ना कुछ हुआ था बात में, आफ्टर जब श्रीवल्ली आया था गाना हमारा, तो तभी भी मैं सोच रहा था कि ताज महोत्सव में जाने का मुझे मौका मिलेगा, बट आई थिंक अनफॉर्चुनेटली कुछ वर्कआउट नहीं हो पाया। तो अभी इस बार सब चीज़ें मैच हो गई और मैं दोबारा से आया हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड एंड थैंक यू सो मच। आगरा लोकलिटी, आगरा से हरिकांत शर्मा की रिपोर्ट।